नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लाइट से संबंधित ये पार्ट अपना 3 है। पार्ट नंबर 3 जो है आज अपन करेंगे। दो पार्ट में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ये अपना तीसरा पार्ट है। और दोनों पार्ट्स के जो आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ जा करके उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो। जितने बायोलॉजी से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जा करके उनको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, पार्ट 3 है और आज इस पार्ट के साथ ही लाइट से संबंधित जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन जो अपने को पढ़ना है वो समाप्त हो जाएगा। पार्ट 4 में अपन लाइट से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि हमारे चैनल पर आपको सारे जो हैं सिलेबस, पूरा जो सिलेबस है रीट का या आरटेट का करवाया जाएगा। इसके लिए वो भी टीचिंग मेथड्स के साथ पेडालॉजी को भी अपन करवाएंगे, साइकोलॉजी भी करवाऊंगा दोस्तों। आप टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम में अभी टाइम है, सब कुछ हो जाएगा, आप बस पढ़ते रहिए। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है और उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, साथ ही अपवर्तन क्या होता है वो भी देखेंगे, लेंस वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करेंगे, और आपके दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, प्रादृष्टि दोष वगैरह क्या क्या होते हैं, सब के बारे में इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये पूरा जो वीडियो है इसमें पूरा जो सिलेबस है अपना रीट का उससे हटके है लाइट से संबंधित, ये अपने सिलेबस में दोस्तों नहीं दिया गया, समतल दर्पण तक ही है। वो मैं आपको पार्ट 2 में पूरा करवा चुका हूँ। पार्ट 3 है, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका, लेकिन इससे भी क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी पुटअप हो जाते हैं, इसलिए देखना ज़रूरी है। पहला अपना है अवतल दर्पण का उपयोग। बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में भी लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्लियरिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा आती है, इसलिए जो नाई की दुकान होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, घर में भी उपयोग करते हैं, आँख कान नाक के डॉक्टर द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, इसलिए काफ़ी दिशाओं में अपन इससे, काफ़ी दूरी में जो है इससे अपन देख सकते हैं, इसलिए जो आँख कान नाक का जो डॉक्टर होता है वो भी इसका उपयोग करता है। गाड़ी की हेडलाइट, जो आगे की जो लाइट होती है, जाहिर सी बात है एक लाइट अपने को ऐसी चाहिए कि जो काफ़ी फैल के काफ़ी प्रकाश दे, तो लाइट को फैलाने का कार्य करता है अवतल दर्पण, तो हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साथ ही सर्च लाइट वगैरह, बैटरी वगैरह होती है उसको लाइट को फैलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर, जो सोलर कुकर होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों किया जाता है, ताकि कुकर के जो है सभी भागों में समान रूप से प्रकाश पड़े उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण दोस्तों, इसमें प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे उसके ध्रुव व फोकस दूरी के मध्य बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा व आभासी प्रतिबिंब इसमें बनता है। ये गाड़ी चालक की सीट के पास पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है दोस्तों, साइड ग्लास जिसको बोलते हैं गाड़ी में, उसमें ये उत्तल दर्पण ही लगाया जाता है। सोडियम परावर्तक लैंप जो होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही अपन देखते हैं दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे पथ का जो प्रकाश का है अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि ये एक दोस्तों कांच की पट्टी का मैंने यहाँ पे रख दी है, ये कांच की पट्टी का दोस्तों, इसमें एक विरल माध्यम से जो प्रकाश की किरण आएगी, विरल माध्यम यानी वायु और सघन माध्यम दोस्तों कांच, तो कांच जो है वो वायु की अपेक्षा क्या है, सघन माध्यम ही है, तो वायु से चलकर एक आपतित प्रकाश की किरण आती है, यह होता है आपका अभिलंब, और आने के बाद जैसे ही वह दूसरे माध्यम यानी कांच में प्रवेश करेगी तो यह अभिलंब के पास आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभिलंब के क्या आ जाएगी, पास आ जाएगी। अगर यह जैसे माध्यम मान लीजिए आपका सघन माध्यम से आती है और विरल माध्यम में प्रवेश करेगी दोस्तों,
तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर प्रकाश किरण जो है वो झुक जाती है। यही होता है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। बस इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता, ज़्यादा याद करने की इसको आवश्यकता नहीं है। फिर अपवर्तन के लिए कुछ मुख्य बातें और हैं, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल सही बात है, परावर्तन वाला नियम ही यहाँ काम करता है। दूसरा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी साइन आर, साइन आई यानी इंसिडेंट रे का जो ज्या है यानी कि साइन आई बटा साइन आर जो है, यानी इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। एक नियतांक दोस्तों होता है, ये स्नेल का नियम भी है। स्नेल का नियम क्या है पूछ लिया जाए तो, अपवर्तन आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है उनका अनुपात एक नियतांक होता है। बस यही है इसके लिए स्नेल का नियम। ठीक है दोस्तों, फिर तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर अपवर्तनांक भी जो वो घट जाता है। जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपवर्तनांक घटता जाएगा। अपने देखा भी था, चूंकि लाल रंग की जो वर्ण विक्षेपण जब मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया भी था कि लाल रंग के तरंग दैर्ध्य, लाल रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सर्वाधिक होती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक और वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ताप बढ़ने पर भी दोस्तों अपवर्तनांक जो है वो बढ़ जाता है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा कि ताप अगर बढ़ेगा तो भी अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण। जैसे द्रव्य में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी अपने को दिखाई देती है। जैसे अपन जल में डूबेंगे तो जल में ऊपर से तो बिल्कुल सीधी दिख रही है, लेकिन अंदर जो डूबी हुई जो आपकी छड़ है उसको देखते हैं, लकड़ी को जब देखते हैं डूबी हुई, तो वो तिरछी दिखाई देती है अपने को, वो अपवर्तन के कारण ही होता है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना अपवर्तन का ही उदाहरण है। फिर दोस्तों सूर्योदय के पहले व सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देना किसका कारण है, अपवर्तन का ही ये कारण होता है दोस्तों। सूर्योदय के कुछ समय पहले सूर्योदय हुआ नहीं है फिर भी अपने को सूर्य दिखाई दे जाता है, और सूर्य डूब जाता है उसके बाद भी, अस्त हो जाता है उसके बाद भी अपने को दिखाई देता रहता है, तो वो दोस्तों अपवर्तन के कारण ही संभव होता है। फिर दोस्तों पानी में रखे सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देना जो है वो भी प्रकाश के अपवर्तन का ही कारण है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हीरे का चमकना, ये क्या है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। एक छोटी सी ट्रिक भी मैंने बताई थी कि चमकना शब्द जिस एग्जाम्पल में है लगभग क्या होता है, वो किसका एग्जाम्पल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है। दूसरा, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, और ये मरीचिका भी दोस्तों चमकती रहती है। कभी कभी अपन गाड़ी चलाते हैं तो सड़कों पर भी अपने को लगता है जैसे आगे पानी भरा होता है, लेकिन अपन जब उसके पास जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्या बनी होती है, मरीचिका, यानी कि एक भ्रम अपने लिए वह होता है। फिर जल में पड़ी परख नली का चमकना जो है वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जाम्पल है। कांच में आई दरार, कांच में कभी कभी दरार आ जाती है और वो चमकती हुई अपने को दिखाई देती है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही जो है नमूना है, उदाहरण है। फिर पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, यह भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और एक दोस्तों इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष के बनने में दोस्तों तीनों घटनाएं काम करती हैं, कौन कौन, अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट अपना प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, प्रकाशिक तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी प्रकाश की युक्ति है। किस पर आधारित होते हैं दोस्तों, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता कम किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। यानी कि प्रकाशिक सिग्नलों को भेजने की एक युक्ति होती है, उसको बोलते हैं प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। और दोस्तों इसमें प्रकाश की गति को कम किए बिना और चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो,
जो है इसको प्रकाश संकेतों को जो है प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं प्रकाशिक तंतु के उपयोग। प्रकाश सिग्नलों के संचरण के लिए आवश्यक है। दूसरा, विद्युत सिग्नलों को प्रकाश सिग्नलों में बदलकर प्रेषित करने में तथा अभिग्रहण करने में इसका उपयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण करने में भी ऑप्टिकल फाइबर का दोस्तों उपयोग किया जाता है। शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दोस्तों पूछा गया था एक बार कि शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए आवश्यक उपकरण है, एक युक्ति है, तो वो है ऑप्टिकल फाइबर उसमें था, तो ऑप्टिकल फाइबर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपना है दोस्तों लेंस। लेंस क्या होते हैं? दो प्रकार के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, अवतल जो लेंस होता है वो उत्तल दर्पण के समान एक तरीके से अपन देख सकते हैं, और उत्तल लेंस को अवतल दर्पण के समान एक तरीके से अपन देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उत्तल लेंस का आपको चित्र बनाया हुआ दिखाई दे रहा होगा, साथ में इसमें एक ओ बिंदु है यानी कि इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, और F1 F2 को दोस्तों बोलते हैं प्रथम फोकस दूरी F1, द्वितीय फोकस दूरी F2 होती है। साथ ही C1 और C2 के हैं लेंस की मुख्य अक्ष हैं, तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये डायग्राम है इनके। ये दोस्तों अवतल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है। अब इनसे होता क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इनके बारे में डिटेल से अपने को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों प्रतिबिंब बनता है द्वितीय फोकस दूरी पर यानी F2 पर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर हो किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, यानी उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो चित्र बनेगा आपका, जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 पर बनेगा यानी द्वितीय फोकस दूरी पर बनेगा। और चित्र बनता कैसा है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत ही छोटा बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जब वस्तु F1 पर हो तब चित्र कहाँ बनता है, दोस्तों प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है, यानी अनंत पर वस्तु है तब तो F2 पे बनेगा, लेकिन F1 पे वस्तु है तो कहाँ पे जो है प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बहुत बड़ा बनता है। दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, छोटा बड़ा वो डिसाइड करता है कि कहाँ रखा हुआ है, अनंत पे है तो जाहिर सी बात है अनंत पे है तो बहुत छोटा बनेगा, F2 पे बनेगा, और अगर वस्तु F1 पे तो अनंत पे बनेगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा ये चित्र। ठीक है दोस्तों, अगर C1 पर है यानी C1 पर है आपके मुख्य अक्ष C1 पर है और उसके बाद जो आपकी जो वस्तु है वो C1 पर है तो चित्र कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, C2 पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर का बनेगा, क्योंकि C1 और C2 की जो दूरी है वो उससे समान होती है, इसलिए एक जैसा ही चित्र इसमें बनता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अवतल लेंस की यानी कॉनकेव लेंस की। तो इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब चाहे वस्तु कहीं भी हो, इसमें सबसे बढ़िया बात ये एक ही पॉइंट है अवतल लेंस में, चाहे वस्तु कहीं भी हो, कहीं भी दोस्तों वस्तु हो, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, F2 और O के मध्य ही बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और दोस्तों छोटा बनता है। बस ये काफ़ी है इसके लिए, लेंस के लिए, इसमें और कुछ भी ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। अब लेंस की एक क्षमता बता देता हूँ मैं, क्षमता क्या होती है लेंस की क्षमता, तो दोस्तों लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस की क्षमता कहलाता है। इसको लिखते हैं पावर, लेंस की क्षमता P से दिखाते हैं, 1/F। F क्या होता है, फोकस दूरी, यानी कि अगर किसी लेंस की फोकस दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर, जैसे आँख की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, तो अगर फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो 1/25 जो है वो क्या होगी आपकी लेंस की क्षमता होगी, 1/25, और इसका मात्रक होता है डायपटर, डी से जिसको दिखाते हैं डायपटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायपटर होगा, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं डायोपटर। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानव नेत्र में कितनी होती है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो है मानव जो नेत्र है उसकी स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि अगर आप आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रख करके किसी चीज़ को पढ़ोगे तो वो आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगी, उससे ज़्यादा दूरी पे आप लेके जाओगे तब भी दिखाई दे जाएगी, लेकिन
25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास, जैसे 20 सेंटीमीटर ले आए आप नहीं पढ़ पाओगे, 15 सेंटीमीटर आँखों के पास ले आए तब भी नहीं पढ़ पाओगे, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो पढ़ने के लिए, स्पष्ट पढ़ने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप प्रयोग भी करके देख सकते हो, बिल्कुल सही बात है, किसी प्रकार का इसमें गलत चीज़ नहीं है। फिर दोस्तों एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नाम तो इसका निकट दृष्टि दोष है लेकिन इसमें दिखता दोस्तों दूर का नहीं है, उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना के आगे बन जाता है, इसलिए अपने को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो चित्र बनना होता है रेटिना पर बनना होता है और वो बन कहाँ जाता है, रेटिना के आगे बन जाता है। इस कारण निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसका निवारण क्या है, उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस इसमें उपयोग कर सकते हैं। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, दोस्तों यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष सबको पता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, सबको पता है। लेकिन जो पूछा जाता है प्रश्न, वो ये पूछा जाता है कि जैसे दूर दृष्टि दोष के व्यक्ति के इलाज के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति के इलाज के लिए जो है अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, कारण यही होता है इसका, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने के कारण जो है निकट की वस्तु भी नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है। निवारण क्या है, उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों आपका निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्या इंपॉर्टेंट वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जरा दृष्टि दोष के बारे में, तो इसमें न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न पास की दिखाई देती है, बिल्कुल गड़बड़ होती है इसमें, न तो दूर का आपको दिखता है न पास का दिखता है, समस्याएँ समस्याएँ होती हैं। कारण इसमें क्या होता है, आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, अक्सर वृद्धावस्था में ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आँख जो इसमें अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर पाती है और उसमें दिक्कतें होती हैं, न दूर का दिखता है न पास का दिखता है, ऐसी जो समस्या आती है वृद्धावस्था में आ जाती है, जिसको लगभग अंधापन बोल देते हैं अपन। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, द्विफोकसी लेंस या उभयोत्तल लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को मिक्स करके, मिला करके, एक जगह जोड़ करके इसमें उपयोग उसका किया जाता है, तब जाके कहीं थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दृष्टि व्यमन्य या अभिन्दुकता। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही एक बात और बता देता हूँ, जब अपन उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों को एक साथ उपयोग में लेते हैं दोनों को, तो दोस्तों इनकी जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, वो दोनों की जो क्षमता होगी उन दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। दोनों की जो क्षमता है उन दोनों की क्षमताओं का, लेंसों की क्षमता का योग जो है इनकी जो है वो लेंस की क्षमता कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। फिर है दृष्टि विमन्यता या अभिन्दुकता, तो इसमें क्या होती है, क्षैतिज दिशा में ठीक देखा जाता है इसमें, लेकिन परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता व्यक्ति, यानी व्यक्ति जो है इसमें क्षैतिज दिशा, क्षैतिज यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ देखना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, ये तो अपने को साफ साफ दिखाई दिया जाता है, दे जाता है। लेकिन दृष्टि विमन्य में क्या होता है, अभिन्दुकता में क्या होता है, जो बिल्कुल अपन ऊर्ध्वाधर, जैसे अपन इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर देखते हैं, तो वो अपने को दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका निवारण क्या है, इसमें बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का उपयोग इसके इलाज के लिए किया जाता है। तो ये चार प्रकार के रोग थे, निकट दृष्टि दोष के लिए आपको पता है दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उसके बाद जरा दृष्टि दोष के लिए बाईफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस या उभयावतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दृष्टि विमन्य या अभिन्दुकता के लिए दोस्तों बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों, चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको सब लोगों को पता ही है दोस्तों, मैं हमेशा सुबह 6 बजे वीडियो मेरा अपलोड हो जाता है, तो आपके पास पूरा दिन होता है, आप दिन में कभी भी देख सकते हो, बिल्कुल ऑनलाइन कोचिंग की तरह एक प्रकार से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार का आपका रुपया पैसा नहीं लग रहा है, साथ ही आपको बेस्ट कोचिंग देने की
कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।